नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज शोगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर जनपद में उत्तर प्रदेश के खाकी को शर्मसार करने का एक मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित युवती के अनुसार दरोगा ने युवती के पिता को जेल भेजने की धमकी देकर उसका वर्षों तक शारीरिक शोषण किया और उसके अश्लील फोटो भी लिए। अब दरोगा युवती को फोन में मैसेज कर लगातार मिलने के लिए बुला रहा है। युवती द्वारा मिलने से मना करने पर दरोगा लड़की के अश्लील फोटो वायरल करने की भी धमकी दे रहा है। हमारे गाँव में झगड़ा हुआ था जमीन को लेके, एक वो SI दरोगा चौकी इंचार्ज था, वो हमारे घर आया जांच के लिए। पापा घर पे नहीं थे, वो मुझे लेके गया जांच के बहाने ले जाके गाड़ी में गलत काम किया। और सन 2019 से अब तक सन 2023 तक लगातार धमकी दे के शोषण करता आ रहा है कि अगर किसी को बताया तो मैं तेरे घर वालों को मार दूंगा, झूठे केस में फंसा दूंगा। घर में तो अभी बताया है, कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है, कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। जब रक्षा करने वाले ही ये काम करने लगेंगे तो आम आदमी क्या करेगा। एक महिला द्वारा एक सब इंस्पेक्टर अजय के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए गए हैं। यह सब इंस्पेक्टर जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा थाने की सीकरी चौकी पर 2019 में तैनात था। फिलहाल ये EOW मेरठ में तैनात है। इसकी जांच SPRA को दी गई है, गहनता से जांच कराई जा रही है। जांच में आए निष्कर्षों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।